राम हम पे करो, हम पे ट्राई। तुमको बोले थे ना हमें कोई नहीं मार सकता। भैया जी अबे चलाओ, हम बोले हैं ना अब हमारे। भैया जी भोसड़ी के बोले फायर करने को तो करो। खाली थी भोसड़ी के अमर हैं, चूतिया नहीं। हाँ भैया जी। तो बेटा चूतिया पे का काम काहे कर रहे हैं? अकेले में बात करनी थी जेपी। भैया ये पार्टी मेंबर जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहिए ना। इसीलिए कह रहे थे कि अकेले में बात करनी है। पड़ गया ना कंटाप इनके सामने। विकलांग कोटा से हैं, हैं? गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हैं। ऐसे एक बात बताएं, यहां आप रूम में जाकर जो करना चाहे कर सकते हैं, यहां कोई कुछ नहीं पूछता। हम तो कई बार अंदर हमारी बहन है अंदर, तो अगर आप कमरे में गए आपकी मां चोट के रख देंगे। ये भी ठीक है भाई साहब, आपका गुस्सा और जुबान जो है ना वो बहुत तेज है, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा आपको। और जो आप हमारी मम्मी के साथ करना चाहते हैं ना, उसका रुपया लेती थी वो। रेड लाइट एरिया की पैदाइश है, कमाना पड़ता है। योग्य होंगे काहे नहीं मिलेगी इज्जत। अच्छा हाँ, माए दद्दा तुमको बहुत इज्जत देते। हम बताएं तुम्हारे दद्दा तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देते हैं? कि तुम्हारे दद्दा ना अद्दा है, भोसड़ी के इज्जत देंगे नहीं तो मिलेगी कहां से। मजाक कर रहे थे। कैसा मजाक? चलो छोड़ो वो, काम की बात करते हैं। तुम्हारे दद्दा है जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? महादत चोत, अरे भाई वो खींच रहे हैं तुम्हारी। माए दोस्त पे इसलिए चुप बैठे हैं, सिवान में हो यहाँ बकचोदी नहीं करते। दद्दा होते एक मिनट में तुम्हारी माँ चुप देते। अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। देखो क्या है ना, हमारी प्रेजेंट मम्मी जो है उनमें बहुत गर्मी, तो निचोड़ लेंगी तुम्हारे दद्दा। शरद तुम्हारे दोस्त इसमें चुप है तो हमारे तो है नहीं, हम क्या करें? आप यूं ही गंगना रहे हैं। सही बात है, इनके पापा भी बहुत गांडू थे, हमारे भी गांडू हैं। तुम्हारे नहीं है क्या? तुम्हारे बाप नहीं है कि गांडू नहीं? तुम्हारी अम्मा को इतना बिछने का शौक है ना, तो उन्हीं का नाम रख दो कालीन, बिछते रहेगी। क्या बढ़िया था गुरु। बकचोद उठा के लेके आया। ओ भोसड़ी वाले चचा, चचा अरे हम मुन्ना, चलिए दरवाजा बंद करके। घर के बाकी लोग काहे देखे हमारे बीच में क्या होने वाला है। कितना टाइम हो गया नहीं मतलब। अच्छा आप एक बात बताइए, वहां रिसेप्शन में हम आपको ऋतिक रोशन बनवा के डांस करवाए, पूरा एंजॉय कराए आपको, आप भोसड़ी के हमको ही पेलने के चक्कर में है। नहीं ठीक है बात, इसलिए अब हम आपको पेलेंगे और बहुत जोर से पेलेंगे। नवाब साहब, नवाब साहब आप ठीक हैं? क्या नाम है? दरवाजा खोलिए ना। रुखसाना आप जाइए, हम ठीक हैं। चलिए फिर, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए, आपको पेलने तो वाले ही हैं, पूरी कर देंगे। कुछ कहना है? अच्छा फिर साहब, तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा शुरू से, शुरू से।
तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना।